बम बम भोले, बम बम भोले। ब्रह्मगिरी वो पर्वत है जहां शिवजी ने गुस्से में आके अपनी जटापट की थी। ब्रह्मगिरी वो पर्वत है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ब्रह्मगिरी वो पर्वत है जहां श्री गौतम ऋषि ने 12 साल तक कठोर तपस्या करी थी। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा ब्रह्मगिरी पर्वत के ट्रैक पे और बताऊंगा कि ब्रह्मगिरी पर्वत तक आप कैसे आ सकते हैं, ब्रह्मगिरी ट्रैक ईजी है या डिफिकल्ट है, इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम क्या होगा और इस ट्रैक को करने में आपको कितना समय लगेगा। साथ ही साथ हर बार की तरह दूंगा आपको कुछ यूजफुल टिप्स और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ब्रह्मगिरी पर्वत महाराष्ट्र के नाशिक डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ तक आने के लिए आपको सबसे पहले नाशिक सिटी तक आना होगा और लगभग हर छोटे बड़े शहर से आपको नाशिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से आप आएंगे नासिक में बने ओल्ड CBS बस स्टैंड तक, जहां से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए हर एक घंटे में बसेस मिलेंगी, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर का सफर तय करके आपको ड्रॉप करेंगी त्र्यंबक गांव में, जहां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और है ब्रह्मगिरी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है ब्रह्मगिरी ट्रैक की पहली पायरी। गाइस, ये जो पूरी माउंटेन रेंज दिख रही है, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पहाड़, और इसकी ट्रैक अब स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर बाद। योगी ऑन व्हील। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ नासिक सीरीज। पिछले वीडियो में आपने देखा त्र्यंबकेश्वर दर्शन और कुशावर्त तीर्थ के भी दर्शन मैंने आप लोगों को कराए। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि है ब्रह्मगिरी पर्वत की। ब्रह्मगिरी पर्वत पे ऊपर आपको मिलेगा गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो गाइज, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट। ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई, मतलब आपके ट्रैक स्टार्ट हो गई ऑफिशियली। तो लगभग 800 से 900 सीढ़ियाँ हैं टोटल ये। और ये जो माउंटेन रेंज है, इसे कहते हैं सह्याद्री पर्वत माउंटेन रेंज। और ब्रह्मगिरी पर्वत की जो प्रॉपर हाइट है वो है 4287 फीट, यानी 4287 फीट। तो जब मैंने इसके वीडियोज़ देखे थे, तभी मैंने मन बना लिया था कि अगर मैं नासिक तरफ जाऊँगा तो इस लोकेशन पर ज़रूर जाऊँगा। और ये ट्रैक स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग भी लकड़ी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर जंगली जानवर तो है ही हैं, बंदर बहुत सारे हैं, तो उनसे बचाव के लिए ये ज़रूरी है। थोड़ा सहारा भी हो जाएगा और बंदरों से थोड़ा प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। इस तरीके से ट्रैक पे जाने के पहले आपको यहाँ पे परमिट लेना पड़ेगा। 30 रुपये एक संख्या। जो भाई लोग मिले हैं अभी जस्ट ट्रैक कम्प्लीट करके आए, आप लोगों को कितना टाइम लग गया? 4 घंटे ओवरऑल। अच्छा था एक्सपीरियंस। चलो ट्रैक स्टार्ट करने के पहले आपको ऑफिशियल परमिट लेनी पड़ती है, टिकट लेनी पड़ेगी 30 रुपीज़ की। तो भाई एक शॉप पड़ी, भैया ने मुझे बोला कि लकड़ी ज़रूर लेके चलो, फिर तो मैंने भी एक लठ ले लिया है। ये 20 रुपीज़ इसका चार्ज लिया है इन्होंने, 10 रुपीज़ डिपॉजिट रहेगा और 10 रुपये जब लकड़ी वापस करूँगा तो वो दे देंगे। अभी तो ट्रैक शुरू ही हुआ है, पसीने छूटने लगे हैं और दम भरने लगा है। पूरे रास्ते में 3 से 4 स्टॉल्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे खाने पीने की अरेंजमेंट भी है बेसिक लेवल की। और यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह कि जंगली जानवर कौन कौन से यहाँ पे दिख सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स भी देखने मिलेंगी। लो जी, बची कुची कसर भी पूरी हो गई, बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी रेनकोट डाल लिया है और डिफ़िकल्टी लेवल अब थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि चिकनाई बढ़ जाएगी सीढ़ियों पे। बहुत से लोग तो रुक गए हैं रास्ते में, और रास्ते में मुक्ता देवी मंदिर का बोर्ड भी दिखा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, माता रानी के दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैक पर। हर हर महादेव।
ये भी एक आश्रय बना हुआ है, मेरा ख्याल साधु संत वगैरह जो आते हैं उनके लिए। ये वाली बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और ये है पूरा ब्रह्मगिरी पहाड़। बारिश होने से ऊपर पूरा फॉग फॉग हो गया है। एक बात तो किसी ने ठीक कही है, महाराष्ट्र की असली खूबसूरती अगर देखनी है तो मानसून में आइए आप। क्या वेदर है, बादल ऑलमोस्ट पहाड़ से नीचे की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ बीच बीच में आप सीढ़ियाँ देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, सीधे नीचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़े से एफर्ट्स तो लग रहे हैं, टोटल 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है और 800 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे एक गुफा भी दिखी है, और अब व्यू देखिए यहाँ से। और वहाँ जाना है टॉप पे गाइस। अब ये सीढ़ियाँ बन गई हैं, लेकिन पहले टाइम पे ये देखिए ये पायदान बने हुए हैं, 1-2 ऐसे सीढ़ियाँ थी, और पुराने लोग जो रहे होंगे वो ऐसे पायदानों से इस चट्टान को चढ़ते हुए क्रॉस करते रहे होंगे। ये देखिए पूरे गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पे, और अब ये बना दी गई हैं सीढ़ियाँ। और वो बंदर देखा, ताक में ही रहता है वो हमेशा अटैक करने के। चलते हैं आगे, बंदरों को देखते हुए चल रहा हूँ। लोगों ने वॉर्न कर दिया है मुझे कि सब अंदर रख लेना गोप्रो वगैरह, नहीं तो उठा के ले जाएगा, खींच के ले जाएगा वो। महादेव, बजरंगबली हनुमान की जय। श्री शंकर शंभो शंकरायण, हर हर महादेव, जय जय श्री शंकर। तो इस हनुमान जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति दिखी है, जय बजरंगबली। चश्मे वालों की सबसे बड़ी मुसीबत ये रहती है, बारिश वगैरह में ना पूरा फॉग जमने लगता है। ये देखिए सीढ़ियाँ। अब तो गाइस ये है इंक्लाइन, आ गया वो, और इस तरीके से बंदर आ जाता है, वो देखो आ रहा है। तो गाइस देखिए अब बड़ी सी चट्टान है, और उसको फोड़ के बीच में से सीढ़ियाँ बनी हुई है, और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पैच है इस ट्रैक का। बम 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 बम, गौतम ऋषि की मूर्ति और उनकी तपोस्थली। गाइस ये बड़ी सी चट्टान है, और उसमें काट के ये दरवाज़ा बना हुआ है पूरे पत्थर का, और चट्टान को पूरी तरीके से फोड़ के फिर सीढ़ियाँ बनाई हैं। अच्छा सारे दोस्त लोग बंक मार के आए हैं स्कूल से ट्रैक करने के लिए, और अब मेरा भी ये छोटा सा साथी बन गया है, चलते हैं साथ में इसके आगे ट्रैक कंप्लीट करते हैं। ओह माय गॉड, चलो राजेश। अरे बाप रे, ये तो वाकई में ये वाली सबसे ज्यादा स्टीप है, पीछे वाली से भी ज्यादा। लिटरली एकदम ऐसा लग रहा है 75 डिग्री इंक्लाइंड है। एक और दरवाजा सा है, देखो इधर भी एक गुफा बनी है, और इधर भी एक गुफा बनी है, और ये ऊपर सीढ़ियाँ।
एकदम इच खड़ी सीढ़ी है यार। अद्भुत, अप्रतिम, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, यह है ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैक। सिंपली लव्ड इट। रेनकोट वगैरह उतार लिया है, बारिश बंद हो गई थी, हवा बहुत बेहतरीन चल रही है, 70% मैं पहुंच चुका हूं। सीढ़ियां जो डिफिकल्ट वाली थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं और थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद फिर फ्लैट लैंड है प्लेटो। भाई सीढ़ियाँ तो ख़त्म हो गई, पूरा प्लेटो एरिया आ गया है। ये देखिए बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ जाना है अभी भी और यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है, पूरा कच्चा रास्ता है, मिट्टी है, बारिश हो गई है, पूरा स्लश हो गया है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। चिकनी मिट्टी हो रखी है यहाँ पे, फुल स्लिपरी, और बारिश की वजह से मैं अभी स्लीपर्स ये चप्पल पहन के आया था, बट चप्पल ठीक है, इतना ज़्यादा स्लिप नहीं हो रही है। फाइनली ब्रह्मगिरी पर्वत के टॉप पे मैं पहुंच गया हूँ। ज़बरदस्त, बहुत कमाल की जगह है ये, सारी थकान एक झटके में उतर जाएगी यहाँ ऊपर आने के बाद। फाइनली ब्रह्मगिरी पर्वत के टॉप पे पहुंच चुका हूँ और 4 किलोमीटर का ट्रैक है, 800 से ज़्यादा सीढ़ियाँ, मीडियम लेवल का ये ट्रैक बोलूँगा मैं। बीच में बहुत स्टीप चढ़ाइयाँ थी, हवा बहुत तेज चल रही है अभी और परम आनंद का एहसास हो रहा है मुझे। आई कांट बिलीव, आई कांट एक्सप्रेस अभी मुझे कैसा लग रहा है। पूरा माहौल आप देखिए, केला दे दिया इधर, थैंक यू। बादलों के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं अभी और बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे मंदिर दिखेगा आपको, वो है गोदावरी उद्गम का मंदिर, तो वहाँ चलते हैं गोदावरी उद्गम का मंदिर नीचे देखने के लिए। और यहाँ से फिर उतना ही नीचे जाना है पूरा पहाड़ उतर के, और वो कहीं पर है गोदावरी का उद्गम स्थल। शाम हो गई है, लगभग 4:30 का वक्त हो चुका है और 2 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट करी थी, 2 घंटे में लगभग मैं यहाँ पहुँच गया हूँ ऊपर। कोई अगर बोलता है कि 1 घंटे का समय लगता है तो वो गलत बोलता है मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत ही मिनिमम स्टॉप्स लिए हैं मैंने, भी 1 या 2 बार ही कहीं रुका हूँगा। और अब ग्रीनरी देखिए, मानसून के टाइम पे इतना अद्भुत लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिहार से है क्या? कौन जिला? बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी एक शॉप है, यहाँ पे टी स्नैक्स मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। ये कैन रखे हुए हैं, आप चाहें तो इन कैंस में गोदावरी नदी उद्गम से गोदावरी नदी का फ्रेश पानी लेके घर जा सकते हैं, बहुत पवित्र जल माना जाता है। इधर एक और कुंड है, इसका नाम मेरे को नहीं पता, पवित्र जला है, पिण्याच्चे पानी, पीने का पानी है। ये है मूल गंगा मंदिर। माना जाता है कि इसी जगह पर गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उद्गम किया था, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। और इसी जगह की मान्यता है
कि भगवान गणेश जी गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चले गए थे और उनके खेत के आधे धान खा गए थे। ये सब घटना नारद मुनि ने देखी और गौतम ऋषि को बता दिया। तब गौतम ऋषि ने गुस्से में आकर गौ हत्या कर दी और इस तरीके से गौतम ऋषि से गौ हत्या का पातक हुआ। इस पाप का पछतावा होने पर गौतम ऋषि शिव जी के पास गए, जहां शिव जी ने गौतम ऋषि को इसी जगह पर 12 साल तक तपस्या करने को कहा और 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इस जगह पर गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। तो गाइस ये है असली उद्गम स्थल और नीचे गोदावरी माता की मूर्ति भी है इसी कुंड के अंदर। और ये नीचे मूल गंगा की धारा भी निकल रही है जिसको दक्षिण की गोदावरी भी कहा जाता है। तो गाइस ये है ब्रह्मगिरी का मुख्य दर्शन मंदिर। मूल गंगा मंदिर में उद्गम के बाद गोदावरी नदी यहाँ बने सबसे पहले और पुराने ब्रह्मगिरी मंदिर में गौमुख से निकलती है। तो गाइस वो है उद्गम स्थल और ये है पूरा कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी कभी भी नहीं सूखता। ये गोदावरी माता की मूर्त है और ये है उद्गम स्थल गौमुख। यहाँ से मैं पानी भर लेता हूँ। गोदावरी के उद्गम स्थल से पानी भर के लेके जा सकते हैं, बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी का है, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दिया जाता है। तो गाइस ये है गोदावरी का उद्गम और ये कुंड और ये नंदी महाराज बैठे हुए हैं और ये है ब्रह्मगिरी मंदिर। अंदर लाइट गोल है और अंदर शिवलिंग है ना। हाँ शिवलिंग है, शिवलिंग त्रिंबकेश्वर में दर्शन मिलता है, इधर टच करके दर्शन मिलता है। आया समझ में? इधर से पानी गुप्त रूप में जाता है नीचे ये, और यहाँ से गुप्त रूप में नीचे पानी जाता है। सडनली वेदर चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। देखते ही देखते 4:30 बज चुके हैं और देखते ही देखते पूरा माउंटेन फॉग से कवर हो चुका है। आप देखिए कुछ टाइम लैप्स शॉट्स भी लिए मैंने अभी और बारिश फिर से शुरू हो गई है। जटा शंकर मंदिर चलते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं। पूरा माउंटेन पे अभी क्लाउड हो गया, मैं ऊपर पहुंचूंगा अभी फिर आपको दिखाता हूँ अभी करंट में क्या सीन है। गोदावरी नदी का उद्गम होने के बाद और गौमुख तक आने के बाद इस कुंड में गोदावरी नदी लुप्त हो रही थी। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि जगत कल्याण के लिए गोदावरी नदी को धरती पर सदैव के लिए लाया जाए। तब शिव जी ने तांडव नृत्य करते हुए गोदावरी नदी को अपनी जटाओं में लिया और ठीक इसी जगह पे वो जटा शिव जी ने पटकी थी और फिर गोदावरी नदी धरती पर आ गई थी और शिव जी के जटा पटकने के निशान आज भी इस बात के साक्षी हैं। शिवजटा मंदिर के पीछे से ही दुर्ग भंडार किले का रास्ता भी जाता है। मौसम खराब होने के कारण मैं वहां नहीं जा पाया, पर आप यहां पे आते हैं तो उस जगह पे जरूर जाना। ये देखिए यहां पे भी एक कुंड बना हुआ है। जटा शंकर मंदिर इधर है, ये रहा और ये रहा कुंड और वो पूरा माउंटेन है। पूरी पहाड़ पे ना वाइट कलर के इतने सुंदर छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं और एकदम वैली ऑफ फ्लावर्स लग रहा है। मल्टी कलर नहीं है लेकिन पूरा वाइट कलर के हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए पूरे नीचे की तरफ बादल आ गए हैं, चारों तरफ एकदम फॉग ही फॉग। शाम के 5:30 बज चुके हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर सारे प्रमुख मंदिर और गोदावरी उद्गम भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया।
चार किलोमीटर की ट्रैक करने में मुझे 2 घंटे का समय लगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो वो मीडियम लेवल की डिफिकल्टी है मॉनसून के टाइम पे, अदरवाइज आप आ सकते हैं। थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई पड़ती है कुछ लोकेशन पे, तो वो थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, प्लस में बंदरों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। फिलहाल में आप मौसम देखिए, 5:30 बजे पूरा फॉग हो चुका है और मेरे ख्याल से मुझे भी नीचे उतरना चाहिए और जितने बंदे यहाँ खड़े सब लोग नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ट्रैक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए और मुझे इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून। हर हर महादेव।